नमस्ते, आज मैं एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट के बारे में बताना चाह रही हूँ। वो ऑल द वे शी केम फ्रॉम कोलकाता, हर नेम इज पिंकी गुप्ता। आज बच्चा नहीं होने का जो कष्ट होता है आप समझ पाएंगे। चार बच्चे भगवान ने दिए पर एक भी नहीं टीका। मैं सब लेडीज को इस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड रिपीटेड मिसकैरेज। मैम, बच्चे आते हैं, रहते नहीं है। कई बार जो हमारे यहाँ पे भ्रूण बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो फिर बढ़ते नहीं है या फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। तब मैंने सजेस्ट किया, पिंकी तुम्हारी एग क्वालिटी ठीक नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, लेट्स गो फॉर IVF। IVF में हम लोग डायरेक्टली देख पाते हैं कि कौन से एम्ब्रियो अच्छे हैं, कौन से पुश करने हैं। हमने पिंकी को फर्स्ट टाइम IVF करके, बच्चेदानी भी खराब हो चुकी थी, बार बार उसने सफाई की थी, DNC किया था, तो उसकी बच्चेदानी बहुत क्रिटिकल थी। तो फर्स्ट टाइम IVF करके आप देख पा रहे हैं, ट्विन्स बैठे हैं विद द बोथ द फीटर्स हैविंग अ ब्यूटीफुल हार्ट एक्टिविटी। दोनों में हार्ट एक्टिविटी आ गई है। आज पिंकी जो हर समय आंसू बहाती थी, ऑल द वे कलकत्ता से आके सिलीगुड़ी में रहना मामूली बात नहीं है। ससुराल का हर लड़की के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसको माँ बनना है, एक अच्छा बच्चा देना है। पिंकी, आर यू हैप्पी? यस सर, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के यू आर ऑल बेस्ट। धन्यवाद।